কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। जैसे आपको बताया था कि लास्ट के जो दो टॉपिक आपके सरप्राइज फैक्टर होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी का एग्जाम ट्रेंड चेंज हो गया है और उसमें आपको ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और आपको नंबर सिस्टम के बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सेशन आप जो होंगे उसमें उसी को पर्टिकुलर फोकस करते हुए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और साथ में इसमें हम साथ में करेंगे प्रोबेबिलिटी को भी, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता को भी हम साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, कवर हम यहाँ पर करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अपकमिंग जो आपका व्यापम हो गया है और जो सीसेट हो गया ना उसका लेवल बहुत बढ़ गया है और आजकल एग्जाम में आपको यहीं से आपको क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, कम से कम तीन या चार ठोक अलग अलग तरीके से आपको मिश्रित करते हुए। इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, दो चीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उस साथ में आपको प्रायिकता, ठीक है। दो चीज होता है जिसको हम बोलते हैं परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है क्रमचय, क्रमचय याद रखना क्रम, और इसका मतलब होता है संचय। दोनों का मतलब यहां पर क्या होता है, आपको जमाना होता है या फिर अपने पास क्या बहुत सारे आपके पास इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, हम उस इंग्रेडिएंट्स में से कुछ चीजों को चूज किए हैं या फिर एक सेट है हमने उसमें से क्या कर रहे हैं अपने को सबसेट बना रहे हैं हम। अब जब उस सबसेट में क्या करेंगे हम, ये क्रम मतलब जो रैंक होगा, जो रैंक बोल सकते हैं या अगर ऑर्डर, अगर रैंक या ऑर्डर अगर वो आपका इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा। रैंकिंग मतलब परमुटेशन का क्रमचय कहलाएगा। और जब वो इंपॉर्टेंट, रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जब क्या करेंगे समूह बनाएंगे जिसमें क्रम आपका इंपॉर्टेंट नहीं आगे पीछे आपका हो सकता है तो उसका हम बोलेंगे क्रमचय, ठीक। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर ए बी और सी तीन है, तीन ग्रुप है, ए बी सी और तीन ग्रुप है, उसमें मुझे दो दो लोग का लेके ग्रुप बनाना है, मुझे दो दो लोग का यहां पर लेके क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो वो किस किस तरीके से हो सकता है, मैं यहां पर ए बी का ग्रुप बना सकता हूं और यहां पर बी ए का ग्रुप बना सकता हूं, ठीक, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप बना सकता हूं, बी सी का ग्रुप बनाया और यहां पर सी बी का ग्रुप बनाया, और जो तीसरा ग्रुप बनाया वो ग्रुप मैंने बनाया एसी का ग्रुप बनाया और साथ में किसका ग्रुप बनाया, सी ए का ग्रुप बनाया। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया, छह हो गया, ठीक। ये हमारा बात किसका हुआ, क्रमचय का हुआ। अब इसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, एक बार जैसे मैं ए और बी का ग्रुप बनाया तो एक बार ए आ गया है और अगली बार यहां पर आगे क्या है, बी आ, ठीक, इसमें बी आगे आया है, अगली बार यहां पर क्या है अपने पास, बी पीछे आया। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ये जो दोनों ग्रुप है ना, ये दोनों ग्रुप पे इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसेट मतलब उसके अंदर क्या क्या कॉमन आपके पास, क्या क्या है आपके पास, ए और बी है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी का एक ग्रुप है, बी सी का एक ग्रुप है और ए सी का एक ग्रुप है। तो यहां पर क्या आपके पास क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास यहां पर क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, संचय होगा। जब आपके पास क्रम इंपॉर्टेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, परमुटेशन होगा, क्या होगा, क्रमचय होगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को साथ में समझाऊंगा मैं और फिर हम इसके क्या करेंगे, प्रश्न में आएंगे। एक बार लिख लो, ठीक।
जब बात परमुटेशन का होगा तो हमारे पास NPR होता है, और जब बात कॉम्बिनेशन का होता है तो हमारे पास NCR होता है। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं, वो चीज होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिसको फैक्टोरियल के निशान से आपको शो किया जाता है। जैसे आपके पास n फैक्टोरियल बोला तो ये होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर। ये इसी वे में यहाँ पे चलते रहेगा जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए, वन ना आ जाए। ठीक है, अगर सपोज मैंने 6 फैक्टोरियल बोला तो इसको मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 5 जा 35, 4 जा 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा 720। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, फिर अगर सपोज मैं यहाँ पर बोला 5 फैक्टोरियल तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब अगर सपोज मैं इस 6 फैक्टोरियल के बारे में बात किया तो मैं 6 इंटू अगर मैं इसको लिया तो यहाँ पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इस 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी यहाँ पर बोल सकता हूँ। ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टोरियल आप याद रख लेंगे, जैसे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आपका कितना होगा 5040 होगा, 8 फैक्टोरियल आपका 40320 होता है। कुछ फैक्टोरियल आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर? एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, अब जब बात NPR की और NCR की होती है, बहुत बार क्या करेगा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा कि NPR का वैल्यू निकालो और NCR का वैल्यू निकालो। ठीक, NPR बोलेगा तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे आपको बोला है 7p4 निकालना है तो ये होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये वैल्यू हमारे पास होगा। ठीक है, तो नीचे में 7 में से 4 गया तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल तो हमारे पास आ चुका है, ऊपर में 7 फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैं इसको लिख सकता हूँ। दोनों कैंसल हुआ, 7 छक्के 42, 42 पंचे 210 गुनी 4, ये हमारे पास कितना हुआ 840, ये मेरा आंसर। ठीक है, इन द सेम वे तो ये हमारे पास इतना आंसर हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं बोला कि यहाँ पर NCR बोला तो इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पर क्या होगा n माइनस r फैक्टोरियल हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब बस यहाँ फर्क यहाँ पर क्या होगा, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। अगर सपोज मैं 7c4 निकालने बोला तो ये हमारे पास होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 7 फैक्टोरियल उसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू ये जो 3 फैक्टोरियल है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हुआ, ये हमारे पास कटा, 7 पंचे कितना हुआ 7 पंचे हमारे पास हुआ हमारे पास 7 पंचे कितना हो गया 35, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पर फोटो ले लीजिए ध्यान से और लिख लीजिए इसको। क्लियर? ठीक, अब जो अगला इससे इंटररिलेटेड है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी। जिसको हम बोलते हैं
प्रायिकता, ठीक, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। प्रायिकता मतलब क्या होता है कि आपका कोई सी भी घटना, जो आपके पास कोई भी घटना होती है, वह घटना के घटने की जो भी आपकी संभावना होती है, वह घटना घटने की यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपकी संभावना होती है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक। द नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, प्रायिकता मतलब ये हमारे पास होता है। तो इसके पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास नीचे होता है हमारे पास टोटल इवेंट्स होता है, और ऊपर में होता है नंबर ऑफ हैपनिंग्स, ठीक। ये हमारे पास होता है टोटल इवेंट्स होता है, ऊपर क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ हैपनिंग्स। अब कोई भी घटना घटने की संभावना जो आती है वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, 100% में लेके चलते हैं। जब बात परसेंटेज का होगा तो 100% लेके चलेंगे, और जब बात क्या होगा फ्रैक्शन का होगा तो हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, कोई भी घटना घटने की संभावना। जैसे सपोज़ आज घर से निकले, बाहर गए, वातावरण में आपने देखा कि आपको बादल छाए हुए, तो आप एक अंदाज़ा बोल सकते हैं कि आज बारिश गिरने की संभावना है, बोल सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे काले बादल दिखे तो आपकी संभावना क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई आज ना 90% चांस है रेन गिरने के, तो इसका मतलब पानी गिरने का संभावना कितना हुआ आपके पास, 9/10, ये पानी गिरने का संभावना। पानी नहीं गिरने का संभावना बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 - 9/10, ये कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको साथ में क्या करूँगा, आपको एग्ज़ाम में जो अलग अलग से क्वेश्चन और वेराइटी पूछते हैं ना, वो आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। ये आपका लेवल तो आपको एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है आपके, लेकिन क्या है कि अब हम एक अंदाज़ा भी लगाएंगे कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम में जो आपके प्रीवियस है पेपर्स को देख के, और जो ट्रेंड जो चेंज हुआ आपका सीसेट का यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस को आपको अलग से वहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना कि क्वेश्चंस आपके जो होंगे बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक। इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडे, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना कितनी होती है। कॉन्सेप्ट साथ में बताएंगे तो देखना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बात कर रहा है रविवार, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डेज के बारे में बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो जो भी इवेंट होगा वो आपकी में, उसमें जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, ये हमारे पास कन्फर्म है। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कट गया, बच गया हमारे पास ये, ठीक। अब 7 डेज में क्या होता है, वीक जो होता है ना, वीक मतलब क्या होता है, आपके पास जो वीक होता है मतलब 7 दिन होता है, और 7 दिन के सर्कल के बाद वह दिन 7 में रिपीट होता है। अगर मैं लीप वर्ष बोला तो आपके पास 366 आपके पास डेज हुए, और एक हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद सर्कल फिर से रिपीट होता है, तो हमने उसको 7 से डिवाइड किया, 7 × 5 = 35, बचा कितना 16, 7 × 2 = 14, बचा कितना 2, 2 एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है ना, 2 एक्स्ट्रा बचा है। तो वह 2 दिन कोई सा भी आपका हो सकता है, हो सकता है कि आपका पहला दिन, मतलब आपके पास ये आपके पास 52 पूरे सप्ताह हो गए, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पहला दिन भी आपका संडे हो, और उसके बाद वाला दिन भी यहाँ पर क्या दिया आपके पास, उसके बाद वाला दिन भी यहाँ पर क्या हो सकता है आपको, संडे, क्योंकि 52 के बाद आपका 2 दिन बचा हुआ है। अगर एक संडे हुआ दूसरे यहाँ पर क्या होगा, मंडे होगा, एक कंडीशन तो ये बनेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि जब 52 हफ्ता का सर्कल कंप्लीट हो रहा था उससे पहले वाला वो अंत कहाँ पर हुआ, संडे में हुआ हो,
और उस साल का पहला दिन भी शुरुआत किससे आपको संडे से हुआ हो, तो इस कंडीशन पे संभावनाएं कितनी बनेंगी हमारे पास, 2/7 ये हमारे पास होगा। तो कुल घटने की संभावना, मतलब जो आपकी घटना घटने की टोटल जो चांसेस होते, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जो टोटल संभावना होती है वो कहाँ पर आती है, नीचे आती है, और जो पॉसिबल है क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो कहाँ पर आता है, ऊपर में आता है। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीले कंचे हैं, ठीक। एक संगमरमर यांत्रिक रूप से छुना गया तो काली गेंद निकालने की संभावना, मतलब वही अपने पास काला है, सिंपल सा है, 3 और 2, ठीक है। ये ब्लैक है ना, सॉरी ब्लैक कर लेना, इट्स अ ब्लैक, ओके, इट्स अ काला। 3 और 2 कितने हुए हमारे पास, 5। टोटल हमारे पास 5 कंचे, या हमारे पास 5 बॉल है, ठीक है। अब उसमें यहां पर क्या कर रहे हैं, अब अपने को वहां पे क्या निकालना है, वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। कौन सा कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ब्लैक आपके पास कितने हैं, 2 है, तो संभावना कितनी हो गई, 2/5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। देखिए, कल बारिश होने की संभावना 0.85 है, तो इसकी क्या संभावना है कल वर्षा ना होगी। अगर बात परसेंटेज में करते हैं तो टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारे पास, 100% होता है। जब बात फ्रैक्शन का या पॉइंट का करेंगे तो कंप्लीट क्या लेके चलेंगे, अपन 1 लेके चलेंगे। अब इस 1 में 0.85 होने की संभावना है, तो कितनी संभावना है कि आपकी नहीं हो, तो माइनस कर लेंगे 0.15, तो 15/ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 100 लग जाएगा, तो 3/20 ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है एक से लेकर 15 तक पूरी संख्या है, ठीक है। चुनी गई संख्या 4 का गुणज होना चाहिए, 1 से लेकर 15 तक बोल रहा है। बीच में क्या क्या आएगा, 4, 8 और क्या है, 12। ये 3 संख्याएं हैं जो 4 का गुणज है, ठीक है, जो 3 संख्या जो 4 का हमारे पास गुणज है। और कुल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 15 तक, तो कितना हो जाएगा, 15। और यहां पर कितने ऑप्शन आपके पास, 3 ऑप्शन है, 3/15, तो 1/5 ये हमारा आंसर, 1/5। अब क्वेश्चन आपको बोला है कि 1 से लेकर 15 तक होना है, वह संख्या या तो 3 का या तो 5 का गुणज, या तो 3 का या तो 5 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज कौन कौन सा हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ और 15। 5 का गुणज कौन कौन सा हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, 15। लेकिन ये 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कितना हो जाएगा, 7/15। इस चीज को याद रखना, आपको स्टेप वाला क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पर भी आपको बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग, अगर कोई इवेंट आपके पास हो रहा है, जैसे आपके पास सिक्का उछाला जा रहा है ना, आपके पास सिक्का उछाला जा रहा है और आपके पास सपोज डाइस उछाला जा रहा है, उस टाइप का, ठीक। अब जैसे मैं बोला सिक्का, कॉइन, तो कॉइन के आपके 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल, आपके पास 2 पहलू हुए, तो टोटल पहलू कितने हुए, 2 पहलू हुए। अगर मैं 1 सिक्के को उछाला या 2 सिक्कों को मैं एक बार उछाला, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास, 2। 1 सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्के को 1 बार उछाला, तो चांसेस कितने हो जाएंगे, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल संभावना कितनी बन जाएंगी, 4। अब अगर सपोज मैं 1 सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्के को 1 बार उछाला, तो जो टोटल आपके पास हेड टेल, टेल हेड, तीनों टेल, तीनों हेड आने के टोटल जो चांसेस होंगे वो कितना होगा, मतलब टोटल हैपनिंग्स कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 3
इक्वल टू क्या हो जाएगा? आठ। उसी वे में अगर मैं बोला चार सिक्के उछाला या एक सिक्के को चार बार उछाला तो 2 के पावर में 4 क्या हो जाएगा? 16। और इसी वे में यहां पर ये बढ़ते रहेगा। भाज्य और अभाज्य तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको एग्जाम में आपको भाज्य और अभाज्य में से एक क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे बोलेगा कि 50 से 70 के बीच जितनी अभाज्य संख्या उनका औसत निकाल लो, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना, उन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, इस तरीके से। देखिए 1 से लेकर कहां तक बोल रहा है, 35 तक, 1 से लेकर 35 तक। तो टोटल इवेंट जो हुए वो हमारे पास कितने हो गए? 35। अब 1 से 35 के बीच आपके पास कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ठीक है, इतनी है आपके पास अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये कितना हुआ? 5, 5, 4, 9, 9 और 2, 11, 11/35 ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। एक घटना के घटने के और नहीं घटने की प्रायिकता योग, दशम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉन इवेंट। तो कोई से भी घटना घटने का और नहीं घटने का जो टोटल चांसेस होता है, जैसे हम जानते हैं कोई भी घटना घटने का टोटल चांस कितना होता है हमारे पास? 100% हम लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब परसेंटेज में क्या होगा? 100 होगा, और नंबर में कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। ठीक है, तो वैसे अगर घटना घटने का और नहीं घटने का अगर योग बोलेगा तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा? 100% होगा, या फिर फ्रैक्शन में बोलेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ये हमारा आंसर। स्टेज अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाले में पूछ सकता है आपको, प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन का मिला के, है ना। क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे तो आपको हो सकता है कि ये सब क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट में दे। निम्नलिखित संभावना में दी गई है, जो संभव नहीं है उसकी सही उत्तर चुनना है। संभव नहीं है। कोई भी घटना घटने का जो मैक्सिमम चांस होता है, प्रायिकता, कुल प्रायिकता कितना होता है? 100% होता है, और 1 होता उससे अधिक नहीं होता। यहां पर हम देखें तो ये 100 से कम है, 100% से कम है, 1 से कम है, ये 1 से कम है और 100% से कम है। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 होगा, और इन टर्म्स ऑफ कितना हो जाएगा? 140% होगा, जो 100 से ज़्यादा है और फ्रैक्शन में 1 से अधिक है। तो आपके पास ये हमारा उत्तर हमारे पास कि वो कॉम्बिनेशन 7/5 का नहीं बन सकता है। कार्ड वाला, और आपके पास जो कार्ड है और जो हमारे पास डाइस वाला क्वेश्चन, वो आपको आखिरी में रखे हैं। ठीक है, कार्ड और डाइस वाला क्वेश्चन अपन आखिरी में रखे हैं। ये आपको बोला है कि इफ 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इज 2 heads। इंपॉर्टेंट है, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो कम से कम 2 चीत आने की संभावना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। आपके पास बोलेगा 2 चीत आने का संभावना। अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास 2 head आने का संभावना, तो मतलब आपके पास 2 head से ज्यादा नहीं आ सकता और 2 head से कम नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर मैं बोला कम से कम 2 head आने का, कम से कम 2 head आने का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास 2 head बोला है ना, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा head भी आपके पास आ सकता है। 2 से ज्यादा head आ सकता है। ठीक है, 2 से ज्यादा head भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास 1 सिक्का 3 बार उछाला गया तो इसका मतलब टोटल संभावना है 2 के पावर में 3, तो कितना हो गया? 8। कम से कम 2 head आना चाहिए, 2 से अधिक भी head आ सकता है, तो इसका मतलब 3 head आ सकता है। पहला टेल, दोनों हेड, ठीक है, पहला है आपके पास, पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल और तीसरा हेड, यही संभावना आपके पास हो सकता है। ठीक, या तो क्या होगा आपके पास, क्या होगा? 3 head आएगा और आपके पास क्या होगा? 1 tail आएगा और बाकी दोनों क्या होगा? हेड होगा। तो यही आपके पास यहां पर क्या होगा? संभावना होगा,
तो हमारे पास कितना हो गया, 4/8, और यह आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है ना, दो हेड वाला था ना, तो वहाँ पे सेम दो क्वेश्चन, दो टेल वाला था, उस सेम वही आंसर आएगा। हाँ, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अच्छा वो लोग एक क्वेश्चन देख लो, जब बोला था ना एक क्वेश्चन अलग से बताऊंगा आपको। ठीक, ये आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन क्या पूछा। ए क्या करता है, ए के सच बोलने के, ट्रू बोलने के चांसेस 2/5, मतलब सत्य बोलता है 2/5 संभावना है। बी का सच बोलने का जो संभावना है ना, वो आपका कितना है, 1/4, मतलब बी टोटल एक में से 1/4 बार हमेशा क्या होता है, सत्य बोलता है, और बी टोटल एक में से 2/5 बार यहां पर क्या बोलता है, सच बोलता है। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी दे सकता है, जैसे 2/5 भाग दिया है तो 2/5 × 100, तो यहां पर कितना हुआ, 40%, और ये 1/4 × 100, तो यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास, 25%। अगर आपको सपोज ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों को अपन लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब अगर सपोज ए का सच बोलने का संभावना 2/5 है, तो ए का झूठ बोलने का संभावना कितना हो जाएगा, 1 में से 2/5 गया तो 3/5 होगा, और बी का झूठ बोलने का जो संभावना होगा, क्योंकि सच बोलने का संभावना 2/5 था, तो 1 से माइनस किए तो 3/5 आया, सच बोलने का 1/4 है, तो झूठ बोलने कितना होगा, 1 में से 1/4 गया तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ऐसी कितनी संभावना है कि दोनों एक दूसरे को ओवर रूल करें या फिर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर असंगत हो, मतलब क्या, अब अगर सपोज ए सच बोलेगा तो बी यहाँ पर क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है, और अगर सपोज बी सच बोलेगा तो ए यहां पर क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, ओवर चेक करें, तो ए का संभावना कितना हो जाएगा, 2/5 × 3/4 + 1/4 × 3/5। ठीक है, ये कितना हुआ, 6/20 प्लस ये कितना हुआ, 3/20, तो कितना हुआ, 9/20। अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन बोलेगा तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 9/20, और अगर सपोज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार में, 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 45%। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं पर भी कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो अपन थोड़ा सा अपग्रेड होके चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पता लगाएं कि 1, 2 और 3 के सभी अंकों का उपयोग करते हुए, सभी अंकों का उपयोग करते हुए हम कुल कितने अलग अलग संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 अंक है और आपके पास 3 जगह है, 1, 2 और 3, तो यहां पर तीनों अंक में से कोई सा भी एक अंक को 3 तरीके से रख सकता हूं, तो हमारे पास 1 जगह फिल हो गया, तो बचा 2 जगह, तो यहां पे 2 और यहां पर 1, तो 3 × 2 × 1 कितना हुआ, 6। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारे पास कितनी संख्या है, यहां पर 3 संख्या है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ मेंशन आपको नहीं किया है, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ मेंशन आपको नहीं किया है, बस आपको ये बोला है कि आपको ये संख्या 3 अंकों की संख्या बनानी है सारे अंकों को लेके, इसमें आपको बोला रिपीटेंस अलाउ है कि नहीं है, आपको नहीं दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिपीटेंस आपको अलाउ आपको नहीं कर रहा है। ठीक, अब अगर सपोज मान लो रिपीटेंस अलाउ कर रहा है, अब ये जो नंबर है ना 3 अंकों की संख्या बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे, जब रिपीटेंस अलाउ नहीं होगा तो संख्या क्या बनेगा हमारे पास, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1 और 3, 1, 2, बेसिकली हमारे पास ये होगा।
अब मैं इसमें तो ये भी तो बोल सकता हूँ, तीन अंकों का मैं तीन एक लेके बना सकता हूँ, मैं तीन दो लेके बना सकता हूँ, तीन तीन लेके बना सकता हूँ, या इस एक के साथ में दो लिया, दो दो लिया, एक के साथ में एक दो एक लिया, एक के साथ में एक डबल तीन लिया, एक तीन एक लिया, एक तीन दो लिया, तो ऐसे प्रकार की बहुत संख्या बना सकता हूँ। यहाँ पर क्या बोला आपको, रिपीटेंस क्या आपको बात ही नहीं हुआ, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर रिपीटेंस आपके पास एलो नहीं है। लेकिन अगर सपोज आपको बोलेगा रिपीटेंस है, तो आपके पास कितनी संख्या, तीन संख्या है और उसको आपको तीन जगह ही भरना है, तो थ्री के पावर में थ्री कितना हो जाएगा, आप 27 प्रकार के अलग अलग संख्या बना सकते हैं जब आपका रिपीटेंस आपको अलाउ करेगा तब। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है आपको, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपको कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन फाइव फ्रेंड्स सिट ऑन अ फोटोग्राफ ऑफ फाइव चेयर्स इन अ रो। सिंपल सी बात है, आपके पास क्या पांच है, पांच में पांच लोगों को बैठाना अलग अलग तरीके से, तो कितना हो गया 5 factorial, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा, ये कितना हुआ 120। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब आपको क्वेश्चन बोला है कि आपके पास पांच लोग हैं, उनको पांच कुर्सी में बैठाना है, और आपके पास क्या बोला, कंडीशन बोला है कि उसमें जो दो पर्संस हैं ऐसे जो हमेशा साथ में बैठेंगे, जो हमेशा क्या करेंगे साथ में बैठेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, पांच पर्सन है, ये दोनों हमेशा साथ में बैठेंगे, तो ये दोनों का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना, तो हमारे पास कितने लोग हो गए 4 factorial। ध्यान से समझना है ना, क्योंकि ये दोनों हमेशा जहां पर भी आएंगे हमेशा साथ में आएंगे, तो वो दोनों का एक ग्रुप बना, ये दोनों का आपके पास एक ग्रुप बना। ठीक, अब ये जो दो है ना, ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे, तो एक बार ये इधर आएगा और तो ये इधर आएगा, हो सकता है एक बार ये इधर आए और एक भी इधर आए, तो ये भी तो अपने को अलग अलग तरीके से 2 factorial के रूप में बैठ सकता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 factorial कितना हुआ 24, और 2 factorial कितना हुआ 2, और 24 × 2 कितना हो जाएगा 48 आपके पास हो जाएगा। ठीक, मैजिक शब्द के कितने प्रकार से व्यवस्थित संभव है, यदि स्वर हमेशा साथ में, स्वर हमेशा साथ में है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा और जो आई होगा ये हमेशा क्या होगा साथ में होगा। ठीक है ना, बचा क्या एम जी सी, तो ये तीन और ये दोनों का एक ग्रुप है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 4 factorial। अभी ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे, तो हो सकता है कि ए सामने आए और ए बाद में, या हो सकता है कि ए दूसरे में आए और आई पहले में, तो इनको भी तो मैं 2 factorial तरीके से जमा सकता हूँ, तो 4 factorial 24 और 2 factorial 2 यहाँ पे 48। अभी आपको इससे पहले जो फोटोग्राफ वाला बताया था सेम उसी पैटर्न का आपके पास क्वेश्चन है। ब्यूटी कितने अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, आपके पास वर्ड यहां पर क्या है ब्यूटी, कितने आपके पास 6 है, सिंपल से आपके पास 6 है, तो 6 factorial, तो आपको डायरेक्टली 6 factorial दिया रहेगा, नहीं तो आपको जो 6 factorial का वैल्यू होता है 720 आपको वो दिया रहेगा। ठीक है, कुछ सरप्राइज फैक्टर क्वेश्चन लास्ट में एक दो और लेके आऊंगा ना, ये आपको बोला है ब्यूटी है ना, सॉरी मतलब ब्यूटी, ब्यूटी वर्ड का आपको कितने प्रकार से अरेंजमेंट संभव करना है। ठीक है, कि स्वर हमेशा साथ में रहे, स्वर हमेशा साथ में, आपको दिया हुआ है बी ई ए यू टी और वाई। ठीक, स्वर हमेशा साथ में रहे मतलब
ई ए और यू, ये हमेशा एक, हमेशा एक ही साथ रहेगा। बच क्या गया है, बी टी और वाई। तो हमारे पास ये तीन हुआ और हमारे पास ये हुआ एक, टोटल कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इनटू, ये भी तो हो सकता है कि इसको मैं यहाँ पे तीन है तो यहाँ पर ये तीन अलग अलग तरीके से भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसको जमा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, या तो ये दिया रहेगा, ठीक है ना, या आपको साथ में क्या दिया रहेगा, आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या दिया रहेगा, आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा कि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और यहाँ पर क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 40। एग्जाम टाइम के प्रेशर में ना बहुत बार हाथ बड़ी में ना इसको राइट मार देते हैं, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो अक्सर क्या होता है, हम हड़बड़ी में ये वाली गलती कर देते हैं, है ना, और इसको टिक मार देते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन में अगर आपको सपोज बोला है कि आपके पास हमेशा स्वर भी साथ में रहे और व्यंजन भी साथ में, स्वर भी साथ में रहे और व्यंजन भी साथ में रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ई है, ये जो आपका ए है और ये जो आपका यू है, ये हमेशा एक साथ रहेगा, और ये जो आपका बी है, ये जो आपका टी है और जो आपका वाई है, ये हमेशा एक साथ में रहेगा, ठीक है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक साथ में रहेगा। तो इसका मतलब एक और एक कितने हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल इनटू, इनको मैं अलग अलग तरीके से 3 फैक्टोरियल के रूप में जमा सकता हूँ, और इनको अलग अलग तरीके से मैं 3 फैक्टोरियल के रूप में यहाँ पर जमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, या तो हमको आंसर इस फॉर्म में दिया रहेगा, या 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 × 6 = 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसा भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर सपोज सेम चीज पूछा है आपको क्वेश्चन में कि स्वर हमेशा सम स्थानों पे आए, मतलब इवन पे आए, या स्वर हमेशा विषम स्थानों पे आए, या जो आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया आपके पास, व्यंजन दिया हुआ है, व्यंजन उस तरीके से आए। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 3 आपके पास स्वर है, 3 आपके पास व्यंजन है, तो इनको मैं 3 जगह में 6 है ना, इनको मैं 3 जगह में इस तरीके से जमा सकता हूँ, स्वर है तो 3 को 3 जगह जमा रहा हूँ, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो यह आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। 16 वाला फोटो ले लो, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, डाइस वाला है, आपको पहले बताया था आपको डाइस वाला क्वेश्चन, आपको कार्ड वाला क्वेश्चन आपको आगे आने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको साथ में बताऊंगा आपको, है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका गया तो अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। अगर मैं एक पासे के बारे में बात किया, एक डाइस के बारे में बात किया, तो टोटल संभावना अपने पास कितनी होती है, 6। तो अगर एक पासे को मैं एक बार फेंका तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना। अब अगर सपोज मैं एक पासे को 2 बार फेंका गया, या फिर 2 पासे को मैं 1 बार फेंक रहा हूं, तो टोटल चांसेस कितने बनेंगे, 6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। एक पासे को 3 बार फेंका या 3 पासे को 1 बार फेंका, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, 6 के पावर में 3 = 216, ठीक है। 2 पासे का जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है, आपको बोलेगा कि 2 पासे में क्या बोलेगा, जब 2 पासा रहेगा तो आपको बोलेगा डबलेट्स आने के चांसेस कितना होगा,
डबलेट्स मतलब क्या होता है, दोनों में सेम अंक, एक एक, दो दो, ऐसा करते करते तो कितना हो जाएगा, 6/6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36, 1/6। अब अगर सपोज तीन पासा बोलेगा ना, तो आपको इसमें बोलेगा कि ट्रिपलेट्स आने के चांसेस कितने हैं, ट्रिपलेट्स आने के चांसेस कितने हैं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक और एक, तीनों में ऐसा आना चाहिए, और दो दो और दो, तो ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/216, तो ये कितना हो जाएगा, 1/36। ये चीज़ को याद रखना, ठीक। एक बार इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो आपके पास 2 डाइस उछाला है, तो इसका मतलब टोटल हुआ 6 का स्क्वायर 36, योग 8 आने की संभावना। 8 कैसे आ सकता है, 2 6 6 2, ठीक है। फिर आपके पास 3 5 5 3, फिर आपके पास 4 4, एक ही बात है, इसमें 4 उसमें 4 है, और कोई चांसेस है आपके आपके पास नहीं, 5 6 7 तो हो सकता नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/36, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा ध्यान देखो, आपको यहाँ पर क्या बोला, एक पासे का 2 बार खोल गया, योग 8 आने की संभावना, ठीक, तो अपना आंसर कितना हो गया, 5/36। अब अगर सपोज आपको बोलेगा योग कम से कम 8 आने की संभावना, योग कम से कम 8 आने की संभावना, तो आपका जो योग है ना, 8 तो आएगा ही आएगा, योग 9 का भी लेना पड़ेगा, 10 का भी लेना पड़ेगा, 11 का भी लेना पड़ेगा, और 12 का भी लेना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखना। तो जो प्रायिकता वाला क्वेश्चन होगा और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला होगा ना, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपको बोला गया है, ये आपको बोला गया 2 cards आर ड्रॉन इन अ सक्सेशन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards, मतलब 52 पत्तों के गड्डी से बिना प्रतिस्थापन के लगातार 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली रानी हो और दूसरा अलग कलर का हो, ठीक है। आपके पास जो कार्ड्स होते हैं ना, वो कार्ड्स आपके पास, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको बता देते हैं। आपके पास जो कार्ड्स होते हैं, टोटल आपके पास 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या होता है, एक आपके पास होता है लाल पान, दैट इज व्हाट वी कॉल हार्ट। दूसरा आपके पास होता है काला पान। तीसरा आपके पास होता है चीनी। और चौथा आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है ईट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डायमंड। अब ये जो हो गए, प्रत्येक यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास, 13 13 पत्तियाँ होती हैं, प्रत्येक पास हमारे पास क्या होती है, आपके पास 13 13 पत्ती होती है, ठीक है। 13 पत्ती किसका होगा, 13 पत्ती यहाँ पर क्या होगा, किसका होगा, सपोज 2 है, सपोज 13 पत्ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, उसके बाद फिर क्या होता है, जे क्यू और के, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, ये जो होगा इसका और इसका, आपके पास क्या होगा, 13 पत्ती होगा, मतलब ये आपके पास 13 पत्ती होंगे, और जो होगा आपके पास लाल पान बोलूँगा, तो एक यहाँ पर क्या होगा, एक एक लाल पान का होगा, एक काला पान का होगा, एक चीड़ी का होगा, और एक किसका होगा, ईट का होगा, तो वैसे आपके पास 4 4 कैटेगरी है आपके पास। ये जो 3 होता है ना, ये जे क्यू क्यू जो 3 होता है ना, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके पास इसमें आपके पास नंबर लिखे हुए होते हैं, और इसमें आपके पास जोकर बेगम और बादशाह में आपके पास चेहरा दिखाया होता है, आपके पास उसमें डिज़ाइन रहता है, साथ में आपको उसमें चेहरा दिखाया होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका बेसिकली आपके पास होता है। अब आपका क्या बोला है कि आपके पास, अपने पास 2 कार्ड निकाला है, टोटल आपके पास 52 कार्ड है, तो नीचे यहाँ पर क्या हो गया, 52 कार्ड हमारे पास हो गया। अब उसमें क्या बोला है कि पहला आपका रानी हो और दूसरा अलग कलर का जोकर हो। पहला रानी हो मतलब, पहला रानी इसका मतलब क्या हो गया, एक तो हमारे पास क्यू हो गया,
अगर सपोज मैं लाल पान का क्यू बोला हूं ना, तो जो अगले में क्या होगा, लाल पान का जोकर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सेम कलर का हो जाएगा। तो हम चार में से एक जो सेम कलर का है उसको अपन छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास, तीन बचेगा, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 4/52, मतलब 1/ क्या हो जाएगा, 13। तो हमारे पास संभावना कितनी हो जाएंगी, 1/13, ये हमारे पास हमारा आंसर होगा। ध्यान देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो बेसिकली क्वेश्चंस आपके वो वाले, अब जो एक्स्ट्रा जो आपको अलग से पूछता है, जो आपको यहाँ मेंशन नहीं किया था, एक वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 5 boys है और 4 girls है, ठीक है। आपके पास क्या बोल रहा है, 5 boys है और आपके पास 4 girls है, ठीक है। 5 boys और 4 girls में से आपको, अगर पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि मैंने बोला है कि इसमें से आप लोग को 5 persons की कमिटी बनानी है, आपको मैंने बोला 5 persons की कमिटी, एक समिति बनानी है, ठीक है ना, ठीक है। आपको यहाँ 5% कमेटी आपको यहाँ पर आपको बनानी है, ठीक है सर, ठीक है। आपको एक कमेटी बनानी है आपके पास, ठीक है, 5 लोगों की। तो आप उसको कितने प्रकार के बना सकते हैं, तो आपके पास 5 और 4 कितने हुए, 9। 9 में से आप कितने चुन रहे हैं, 5 चुन रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9c5। तो मतलब 9 factorial upon 5 factorial into 9 में से 5 गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 factorial। तो 9 factorial कितना हो गया, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial और नीचे 5 factorial और 4 factorial यहाँ पर कितना होता है, 24। कट गया 6 एक बार में, 6 चार बार में, 4 एक बार में, 4 दो बार में, 9 दूनी 18, 18 सत्य कितना हो जाएगा, 126। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। 5 persons का आपको कमेटी बनाना है। अब यहाँ कोई कंडीशन आपको दिया नहीं। अब अगर सपोज मैंने कंडीशन बोला कि उसमें आपके पास 2 boys होने चाहिए, कितने बॉयज होने चाहिए आपके पास, आपके पास मैंने बोला कि आपके पास 2 boys होने चाहिए, तो 5 लोग का बनाना है, तो आपके पास 2 boys अगर मैंने बोला है, तो आपको 5 लोग को करने के लिए 2 boy के साथ आपको क्या चाहिए, आपको 3 क्या चाहिए, आपको 3 आपको गर्ल्स भी तो चाहिए, ठीक है। 5 boys के साथ आपको क्या चाहिए, आपको 3 गर्ल्स भी तो आपको चाहिए, तो आपके पास 2 boys को चुनना है, कितने में से, 5 में से, तो 5c2 प्लस बोला है और बोला है, तो इंटू 4 लड़कियां बोला, तो 4 में से कितना चुनना है आपको, 3 चुनना है, तो 4c3। 5c2 कितना हो जाएगा, 5 factorial अपॉन क्या हो जाएगा, 2 factorial और साथ में 5 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 factorial और ऊपर क्या होगा, 4 factorial। 4 में से 3 गया तो क्या होगा, 1 होगा और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 factorial हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 into 4 into 3 factorial हुआ और साथ में 2 into यहाँ पर 3 factorial, ये कट गया 2 एक बार में 2 दो बार में, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 10 हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 4 into 3 factorial कट जाएगा, साथ में 4 बचेगा, 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, 40 हमारे पास टोटल, आपके पास 40 प्रकार से हम उसको चूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर सपोज आपको ये बोला है, ठीक, अब अगर सपोज मान लो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कम से कम 2 boys हो, एटलीस्ट 2 boys हो, कम से कम आपके पास 2 boys हो, कम से कम 2 boys हो, इसका मतलब आपके पास 2 boys होने जरूरी है, तो कंडीशन क्या बनेगा, आपके पास 2 boys + 3 girls ये बनेगा, या आपके पास 3 boys + 1 girls ये बनेगा, या आपके पास 4 boys + 1 girl आपके पास ये बनेगा, या आपके पास 5 boys + यहाँ पर क्या होगा, 0 girls होगा। तो पहले आप इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और इन सब को यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यह वाला कंडीशन आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास होगा। और अगर सपोज प्रायिकता बोलेगा कि आपको बोलेगा
कि आपको चुनना है और आपको बोलेगा इसमें से प्रायिकता बनाने बोलेगा, तो टोटल जो है ना वो कितना हो जाएगा आपके पास 126, और आपको यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा 126, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के आपके मेन मेन क्वेश्चन थे आपके, ठीक। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास होंगे, और साथ में आपका जो ज्योमेट्री होगा वो आपका अगला सेशन आपका आने वाला है, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और बीच में आपको साथ में आपको बूस्टर पैक पीएससी का स्पेशल कोको की तरफ से आपका और होने वाला है, जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए आपके क्वेश्चंस हैं पिछले 2 सालों के, और अपकमिंग जो आपके जो पिछले जो यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं, वो सब का समावेश करके आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपका सी सेट का बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा आपको सेट दे के उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो इस सीरीज में बने रहना, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, जो आपके पढ़ने के जो पहला स्टूडेंट के पास जो पहला सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ से पढ़ूँ और क्या पढ़ूँ, आपके पास वो दिक्कत पूरा आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लस आपको एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट जो आपको टारगेट होगा आपका, जो आपको पीएससी सी सेट निकालने में आपको पिन पॉइंट जो नोट्स आपको चाहिए प्लस एमसीक्यूज चाहिए आपका, वो हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब अपने वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए